दोस्तों, जब आप एक YouTube चैनल क्रिएट करते हो एंड उस पर वर्क करना स्टार्ट करते हो तो सभी को पता है कि स्टार्टिंग में आपके व्यूज नहीं आते हैं, ना तो सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होते हैं ना तो व्यूज आते हैं। एंड इसके बाद 10 से 15 दिनों तक वर्क करने के बाद आपको लगता है कि हमारा चैनल अब ग्रो नहीं हो सकता, इसीलिए आप जो है यूट्यूब छोड़ देते हो या फिर ऐसे ट्रिक्स यूज करने लगते हो जिनसे आपको लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, मेरा वॉच टाइम बढ़ जाएगा, व्यूज बढ़ जाएंगे। सो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यूट्यूब चैनल ग्रो होने में कितने दिन का समय लगता है, यानी कि हाउ मैनी डज यूट्यूब चैनल ग्रो। बट इससे पहले आप ये समझिए कि चैनल ग्रो होता क्या है, क्या आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाएं यही चैनल ग्रो होता है, या फिर आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, चैनल मोनेटाइज हो जाए, बस यही ग्रो होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। यूट्यूब चैनल ग्रो होने का मतलब ये होता है कि आपके हर वीडियो पर हजारों में व्यूज आए। ऐसा नहीं कि एक वीडियो पर 5-6 हजार व्यूज आ जाते हैं एंड अदर वीडियो पर 2-4, 10-15 व्यूज ही आ रहे हैं। जब आपके चैनल पर हर वीडियो पर एक रेगुलर व्यूज इंक्रीज होते रहे, तब आप समझ जाइए कि आपका चैनल ग्रो हो गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि YouTube चैनल को ग्रो करने के लिए जब तक आप अपने चैनल पर 70-80 वीडियोस अपलोड नहीं कर लेते, तब तक YouTube का जो एल्गोरिथम होता है वो आपके चैनल के अकॉर्डिंग सेट नहीं हो पाता है, यानी कि आपके वीडियोस को सिलेक्टेड ऑडियंस तक नहीं पहुंचा पाता है। तो पहले तो आप ये काम करिए, अपने चैनल पर 70+ वीडियोस अपलोड करिए, वो भी एक कैटेगरी, एंड तब आप देखेंगे कि आपका चैनल ऑटोमेटिक ग्रो हो जाएगा, कोई भी ट्रिक आपको यूज नहीं करना पड़ेगा।